नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बायो पेस्टिसाइड के बारे में जानकारी दूंगा। बायो पेस्टिसाइड के अंतर्गत राजस्थान सरकार किसानों को 4 kg ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और 1 kg वर्टिसिलियम क्लेमाइडो स्पोरियम और 1 लीटर एजेडरेंटिन नामक कीटनाशक उपलब्ध करवा रही है। और ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं वो किसानों को 90% अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, यानी किसान को इनके कुल लागत का 10% मूल्य दे करके किसान खरीद सकता है इसको। तो इनको किस तरह से उपयोग में करना है वो इस वीडियो के बारे में आपको बताऊंगा। और इस योजना के पीछे की जो सरकार की मंशा है वो है कि जैविक खेती को बढ़ावा देना और रासायनिक उत्पादों पर निर्भरता को कम करना और पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखता, यानी कि ये एक तरह से जैविक खेती से संबंधित हैं और इनका प्रयोग हम खेती में करते हैं तो पर्यावरण और जो किसान भाई इनके साथ में काम करते हैं उनको कम नुकसान हो और वनस्पति और मानव जाति को कम से कम नुकसान हो, यही भी इसके पीछे का जो है। बायो पेस्टिसाइड्स सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पेस्ट कंट्रोल हेतु जैविक नियंत्रण कहलाता है तथा उपयोग में लिए जाने वाले जैविक एजेंट कहलाते हैं। सामान्यतया पेस्ट कंट्रोल बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ आदि का उपयोग करके किया जाता है। इनमें से कुछ का उपयोग व्यापारिक स्तर पर भी किया जाता है। किसान भाइयों, बायो पेस्टिसाइड का मतलब है इनके अंतर्गत प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रोग प्रबंधन को जैविक रूप से नियंत्रित करते हैं। इनमें है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा की दो प्रजातियाँ होती हैं, ट्राइकोडर्मा विडी और ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम। दोनों का काम एक जैसा ही होता है। दूसरा है वर्टिसिलियम क्लेमाइडो स्पोरियम 1.0% WP और तीसरा नीम ऑयल अजेटा रेंटिन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का मित्र फफूंद है जो विभिन्न प्रकार के दालों, तिलहनी फसलों, कपास, सब्जियों एवं कुछ फल जैसे अनार, अमरूद, आंवला आदि फसलों में ये उपयोगी हैं। मृदा जनित रोग जैसे उकटा, आद्रपतन, कंद विगलन, जड़ा गलन, तना गलन, यानी जड़ों से संबंधित जो भी खरीफ की और रबी की फसलें होती हैं उनको रोगों को नियंत्रित करने के लिए इसका विशेष योगदान है। ये फसलों में रोग उत्पन्न करने वाले फफूंद को रोकता है। और ट्राइकोडर्मा के कई प्रकार के उपयोग हैं। बीजों को भी इसे उपचारित किया जा सकता है फंगिसाइड क्रम में। और यहाँ पर ट्राइकोडर्मा जो है वो फसलों को बुआई से पहले और बुआई के बाद दोनों रूप में दे सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा का जो सबसे उपयोगी तरीका है उपयोग करने का वो यह है कि 20 से 25 kg सड़ी हुई गोबर की खाद, जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट में 1 kg ट्राइकोडर्मा को मिलाते हैं और इसे किसी सायादार वृक्ष या साया वाले स्थान पर स्टोर करते हैं। इनको अच्छी तरह मिलाने के बाद पुरानी अत्रपाल, बोरी, टाट या जूट से ढक देते हैं और दिन में 3 टाइम सुबह 8 बजे, 2 बजे और सायकालीन 6 बजे इसमें पानी के छींटे का छिड़काव किया जाता है ताकि इसमें नमी बनी रहे। 7 से 8 दिन तक ये प्रक्रिया अपनाने के बाद इस पूरे जो पाउडर नुमा बन जाएगा ये इसको फसलों में छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा है वर्टिसिलियम क्लेमाइडो स्पोरियम। वर्टिसिलियम क्लेमाइडो स्पोरियम विभिन्न प्रकार के कीट जैसे जेसिट, एपिड, सफ़ेद मक्की, मिलीबग, जो भी रस शोषक कीट हैं उनको नियंत्रित करने के लिए विशेष उपयोगी हैं। और इसका 2 से 5 ग्राम फसल की अवस्था यानी किस तरह की वृद्धि है उस हिसाब से पानी में घोल करके सायकालीन टाइम में छिड़काव किया जा सकता है। तीसरा है नीम ऑयल एजेडा रेंटिन। ये एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है और
ये रासायनिक उत्पादों पर किसानों की निर्भरता को कम करता है, जिससे उनके धन की हानि नहीं हो, और साथ ही ये फसलों में साइड इफेक्ट कम करता है और मानव जाति के लिए भी ये साइड इफेक्ट कम करता है और पर्यावरण प्रदूषण होने से ये अवॉइड करता है। तो नीम ऑयल जो है ये 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर विभिन्न प्रकार के पैकेज आते हैं, तो इसका हम 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके समझ में आया होगा।